से आप सभी लोग आप सोच रहे होंगे आज मैडम वापस कैसे आप लोगों के साथ जुड़ गई तो बिल्कुल सबसे पहले तो मैं पूजा महिंद्रा आप लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बात कुछ ऐसी थी कि मुझे आपके साथ आना ही पड़ा लाइव आना पड़ा और वो बात यह है कि जो यूपी एस 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 सी पी ई टी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जो कि हमारे uh, पिछले कुछ महीनों में रिलीज़ किया गया था आई थिंक फरवरी के महीने में से रिलीज़ किया गया था उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है कि एग्ज़ाम की डेट क्या होगी आप कब से पेपर को भर सकते हैं क्या एग्जामिनेशन फीस होगी पेपर किस फॉर्मेट में होगा सिलेबस क्या होगा नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं आप दूसरे स्टेट के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं नहीं अगर आपका फॉर्म गलत हो गया तो आप उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं ऐसे कई सारे प्रश्नों के जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप सारी इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हैं कि क्या नई नोटिफिकेशन लॉन्च की गई है यूपी एस डिपार्टमेंट के द्वारा तो एक बार जल्दी से लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड के साथ जिससे जो लोग भी इस एग्जाम को फिल करना चाहते हैं क्योंकि आज से ही एग्जाम फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं तो जो लोग भी इस एग्जाम को देना चाहते हैं एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस नई वैकेंसी के बारे में आपको बताना है क्योंकि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी आया है इसके पहले ही यूपी गवर्नमेंट के द्वारा हमारे न्यूज में ये वैकेंसी आउट की जा चुकी थी कि लगभग पचास से ज्यादा पदों पर ये भर्ती की जानी है ग्रुप सी और ग्रुप बी के लिए तो ग्रुप सी और ग्रुप बी के एग्जाम के लिए सारे नो, नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं तो आइए इसको हम सारा डिटेल में समझेंगे लेकिन समझने से पहले मैं छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बार आप शेयर कर दीजिए और अगर पहली बार आप हमारे साथ आ रहे हैं तो सब्सक्राइब चलिए हम सारी बातों को डिटेल में देखते हैं तो सबसे पहली बात तो यूपीएसएसएससी पीईटी दो हजार इक्कीस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ये ग्रुप सी और ग्रुप बी दोनों एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया है ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूपीएसएससी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है आप यहां पर विजिट कर सकते हैं साथ ही साथ हमारे महिंद्राज पे जाकर आप देखेंगे तो महिंद्रा की वेबसाइट पर भी इस पूरे नोटिफिकेशन को अपडेट कर दिया गया है तो दोनों जगहों से इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं तो बेसिकली ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए वैकेंसी आउट की गई है अब कौन लोग एलिजिबल है कौन कौन एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं तो जो भी लोग हाई स्कूल का एग्जाम दिए हुए हैं मतलब दसवीं पास है टेंथ पास है और उसके हाई लेवल की भी ग्रेजुएशन या फिर ट्वेल्थ पास किए हुए हैं वो सभी लोग इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन टेंथ पास होना जरूरी है तो जो भी विद्यार्थी हाई स्कूल की परीक्षा को पास आउट किया हुआ है और दूसरी क्वालिफिकेशन को भी रखता है तो वो सभी विद्यार्थी यहाँ पर जो है वो यूपीएसएसएससी पीईटी एग्जाम को फिल कर सकता है फिल करने की जो डेट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आज ही वो दिनांक है आज ही वो दिन है जहाँ से ये रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो रही तो स्टार्टिंग डेट आप देखिएगा पच्चीस पाँच है और आज पच्चीस पाँच ही है अगर अंतिम दिन की बात करें तो मध्य रात्रि बारह बजे ठीक है ना मतलब 21 जून को रात को 12 बजे तक आपकी ये डेट और एग्जाम फिलिंग की जो लिंक है वो ओपन रहेगी उसके बाद इस लिंक को क्लोज कर दिया जाएगा तो रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट कौन सी है 21 जून है साथ ही साथ फीस सबमिशन करने की भी लास्ट डेट जो है वो 21 जून है ठीक है अगर हम आ, कोई चेंजेस करना चाहते हैं कि कुछ गलत हो गया है नाम गलत हो गया है या फिर लोकेशन एग्ज़ाम सेंटर की लोकेशन आपने गलत फ़िल कर दी इस तरीके से कुछ भी मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हैं तो हमारे एग्ज़ाम फॉर्म को मॉडिफाई करने की जो अंतिम दिनांक है वो अट्ठाईस छः है एग्जाम डेट अभी तक नहीं अनाउंस की गई है बहुत जल्दी जैसे ही अनाउंस करेंगे हम आपके साथ वापस से जुड़ेंगे और आपको नई डेट्स के बारे में अपडेट कराएंगे आइए कुछ और बातें पर हम देख लेते हैं तो इस दिनांक को याद रखना नहीं भूलेंगे क्योंकि तारीख से मतलब आज से एग्जाम फॉर्म फिल होना शुरू हो रहे हैं तो जल्दी से बिल्कुल लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करेंगे कि लास्ट मोमेंट पर फिर मैसेज करते हैं मैडम एग्जाम फॉर्म फिल नहीं हो पाया मैम सर्वर डाउन था मैम फीस नहीं हम डिपॉजिट कर पाए तो एटसेट्रा एटसेट्रा तो इस तरीके की बातों से बचने के लिए आप अभी एग्जाम फॉर्म को फिल करना शुरू कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन डेट कैसी है पच्चीस पांच है अंतिम डेट कौन सी है इक्कीस छ है एक और बात ऑनलाइन मोड से ही आप एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं ऐसा मत सोचिएगा कि मैं प्रिंट आउट ले लेता हूं फॉर्म का फिल कर दूंगा और इनके हेड ऑफिस पहुंचा दूंगा पोस्ट ऑफिस से ऐसा बिल्कुल भी नहीं एग्जाम फॉर्म फिल करने की एकमात्र जरिया है है वो ऑनलाइन मोड तो आप अपने नियरेस्ट साइबर कैफे जा सकते हैं अभी कोविड है तो घर में भी एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से आप इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर हम एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए डेबिट कार्ड के जरिए क्रेडिट कार्ड के जरिए इनफैक्ट एस के ई चालान

ठीक है और आपके जो ग्रुप सी का एग्जाम है वो उसके लिए लोअर एज 18 साल है और अपर एज 40 साल है तो बिल्कुल इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 18 साल से लेके 40 साल तक के विद्यार्थी जो भी हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं साथ ही साथ यहाँ पे जो देखिए कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं है ना इस्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं तो किसी भी स्पोर्ट्स से अगर आप रिलेटेड हैं आपके पास कोई सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल का या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो भी सर्टिफिकेट वहाँ पर रिक्वायर्ड होगा तो पाँच साल का आपको एज रिलेक्शेसन मिल जाएगा अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है आर्मी से रिटायर व्यक्ति तो वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो उनको भी तीन साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं SCST से बिलोंग करते हैं तो भी आप जानते हैं पांच साल का रिलैक्सेशन आपको एज में मिल जाएगा साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है हैडीकेप्ड या विकलांग है तो उसको यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया यूपी गवर्नमेंट ने पंद्रह साल का रिलैक्सेशन दिया है तो आप इस बात को भी देख सकते हैं कि ये कुछ रिलैक्सेशन एज है बाकी मिनिमम से मैक्सिमम एज मैंने यहां डिफाइन कर दी अठारह से चालीस

अगर हम और बात कर लें तो एप्लीकेशन फ़ी ये सबके दिमाग में रहता है कि एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा ज़्यादा महंगा फॉर्म तो नहीं होगा तो बिल्कुल देखिए बहुत ही नॉमिनल रेट रखे हुए हैं तो जनरल और ओ के लिए बेसिकली यहाँ पर जो रेट है वो वन है मतलब वन इनका चार्ज है और पच्चीस इंटरनेट का चार्ज है तो टोटल इस तरीके से वन जो है वो जनरल और ओ के लिए फॉर्म फ़िलिंग की यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी डिसाइड की गई है एस सी एस टी के लिए नाइन्टी फाइव रुपीज़ है और पी डब्ल्यू डी के लिए जो ये रेट है वो पच्चीस रुपये डिसाइड किए गए हैं तो बहुत मिनिमम चार्जेस है कोई दिक्कत का अनुभव नहीं होगा आपको तो बहुत जल्दी से आपको इसको फिल कर लेना है एप्लीकेशन की फी का मैंने आपको मोड बता दिया है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई के ई चालान के जरिए ही बस आप एप्लीकेशन फी को सबमिट कर सकते हैं तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना यही मोड अवेलेबल है ठीक है ऑनलाइन तरीके से ही ये सारा कार्यक्रम होगा का ऑफलाइन नहीं है अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो देखिए बहुत अच्छी बात है कि ऑफलाइन क्योंकि ऑनलाइन में जो व्यक्ति फैमिलियर नहीं होता दसवीं पास अगर कोई स्टूडेंट है तो इतना फैमिलियर नहीं होता है कि वो एग्ज़ाम को ऑनलाइन दे सके तो देखिएगा यहाँ पर एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा है ऑफलाइन है बेसिकली दो लेवल में एग्जाम होंगे पहला जो प्रीलिम्स पेपर होगा जिसको आप प्री कहते हैं प्री जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो लोग मेंस में अपियर हो सकते हैं ठीक है ना तो प्री और मेन्स बेसिस पे जो है वो पेपर होगा प्रीलिम्स जो पेपर होगा वो बेसिकली एमसीक्यू टाइप होगा जिसमें सौ क्वेश्चन होंगे सौ नंबर के पेपर होंगे ठीक है ना सौ नंबर का पेपर होगा हंड्रेड क्वेश्चन होंगे मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का यहां पर आपको बताया जाएगा प्रीलिम के पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको जो समय दिया जाएगा वो एक सौ बीस मिनट का मतलब लगभग दो घंटे का समय आपको दिया जाएगा लेकिन याद ये रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है तुक्का मारने की कोशिश नहीं करना है नेगेटिव मार्किंग है पॉइंट टू फाइव मतलब वन बाई फोर यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी प्रीलिम्स पेपर में जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उनका रिजल्ट आउट होगा और फिर वो मेंस में अपीयर होंगे देखिएगा यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो प्रीलिम्स का जो पेपर होगा वो कई सारे शिफ्ट में होगा तो इसलिए फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा ठीक है ना और जो भी स्कोर कार्ड आपका जनरेट होगा तो ये जो रिजल्ट ऑफिशियली जब पब्लिश होगा हमारी वेबसाइट पे यूपीएसएससी ये कहता है जब रिजल्ट हमारी वेबसाइट पे पब्लिश होगा उस रिजल्ट पब्लिश होने के एक साल तक आपका ये स्कोर कार्ड जो है वो वैलिड रहेगा ये बात इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन की है तो क्या सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं तो देखिएगा बिल्कुल यूपी के जो रहने वाले लोग हैं चाहे वो दिव्यांग हो चाहे वो एस सी हों एस टी हो ओ बी सी जनरल हो या फिर आप आ, स्पोर्ट कोटा से जाते हो जैसे भी आप अप्लाई करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन जो दूसरे स्टेट के लोग हैं उनके मन में एक क्वेश्चन चलता है क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं तो बिल्कुल हाँ बस उन्होंने साफ साफ ये मेंशन किया कि दूसरे स्टेट के व्यक्ति भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा वो जनरल कोटे से ही फाइट करेंगे तो बिल्कुल दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर इस एग्जाम के लिए क्वालीफाई कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पचास हजार तक की वैकेंसी है यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड प्लस वैकेंसी है तो बिल्कुल फॉर्म को फिल कर लीजिएगा आज से ही फिलिंग शुरू है इक्कीस जून तक कार्यक्रम चलेगा बिल्कुल इक्कीस जून से पहले पहले फॉर्म फिल कर लीजिएगा तो दूसरे स्टेट्स के लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं ये बहुत अच्छी बात है ठीक है ये बहुत अच्छी बात है अगली बात कर लेते हैं हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में तो देखिएगा आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाई दे रही है सब्जेक्ट्स के बारे में चलो सब्जेक्ट को सिलेबस को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात जिनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, में मेंशन है और जिसमें इंसान जिसमें हमारे कैंडिडेट हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक गलती करते हैं वो है फ़ोटो को लेके तो देखिएगा आपकी जो फोटो आप खिंचवाएंगे फॉर्म में फिल करने के लिए वो छः महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए फोटो में चश्मा वशमा मत लगाइएगा आंखें प्रॉपरली दिखनी चाहिए आपकी हाँ किसी व्यक्ति को चश्मा लगाए तो चश्मा लगाएगा लेकिन रंगीन चश्मा नहीं लगाएगा आपकी जो फोटो होगी वो जेपी फॉर्मेट में होनी चाहिए ठीक है थर्टी केबी से बड़ी नहीं होनी चाहिए थर्टी केबी से बड़ी नहीं होनी चाहिए इसके अलावा सेवेंटी परसेंट पोर्शन आपके फेस का यहाँ पे कवर होना चाहिए और जो बैकग्राउंड इसमें साफ साफ लिखा है कि बैकग्राउंड वाइट रखेंगे तो इस बात का याद रखिएगा जब भी आप फोटो खिंचवाने जाएंगे फॉर्म फिलिंग करने के लिए तो वाइट बैकग्राउंड हो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है फिर फोटो के नीचे आपको यहां पे क्या करोगे आप लोग तो साइन करोगे तो साइन बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट करोगे या तो हिंदी में करोगे या तो इंग्लिश में करोगे वहां पे साफ साफ मैंशन कर दिया अगर किसी व्यक्ति ने कैपिटल लेटर में साइन किए हैं तो उसका फॉर्म हम मान्य नहीं समझेंगे इनवैलिड घोषित कर देंगे तो बिल्कुल बिल्कुल भी स्मार्ट मत बनिएगा कि कैपिटल लेटर में अच्छा सजा सजा के साइन कर दे रहे हैं नॉर्मल जैसा आप साइन करते आ रहे हैं वैसा ही कीजिएगा कैपिटल लेटर में साइन मत कीजिएगा तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बतानी थी तो मैंने यहां दी हैं ठीक है ना थर्टी केवी से बड़ी आपकी जेपीजी फॉर्मेट पर फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए आइए अब कुछ और बातें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ठीक है तो ये आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है ठीक है सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें आपको सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं ठीक है ठीके? इंडियन हिस्ट्री इसमें लिखा है कि इंडियन हिस्ट्री पाँच नंबर की आएगी अब इस इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या मैंशनड है तो ज़रा देख लेते हैं इस इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन सी बातें मैंशन की गई हैं तो सबसे पहला बोला गया है कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछेंगे हम क्या पूछेंगे यहाँ पर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिद्धू घाटी सभ्यता से आपसे प्रश्न पूछेंगे इसके बाद हम वैदिक पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम जो क्वेश्चन डालेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे हम वैदिक पीरियड से ऋग्वेद साफ साफ किया है कि हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों पर ध्यान देंगे फिर हम वंश में मौर्य में भी हमें सारा नहीं उन्होंने मैंशन कर दिया कि सम्राट अशोक से संबंधित जो भी बातें हैं तो सम्राट अशोक से मौर्य से संबंधित जो भी बातें हैं वो पूछेंगे फिर हम गुप्ता पीरियड से क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आपके गुप्ता पीरियड में आपके चंद्रगुप्त सेकेंड हैं, समुद्रगुप्त है स्कंद समुद्र गुप्त, गुप्त है इनको विशेष तौर पे शामिल किया गया है तो गुप्ता पीरियड से हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे अगला पूछा है कि वर्धन पीरियड जो हर्षवर्धन थे हमारे अंतिम हिंदू राजा थे हर्षवर्धन और बाणभट्ट तो हर्षवर्धन से संबंधित हम प्रश्नों को यहां पर पूछेंगे तो वर्धन के बारे में यहां पे बोला गया है वर्धन के बाद हम तो यहाँ पे राजपूत के बारे में पूछेंगे राजपूत के बाद आ जाता है आपका दिल्ली सल्तनत तो हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो दिल्ली सल्तनत से रहेंगे दिल्ली सल्तनत के बाद हम तो मुगल पीरियड से क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें विशेष तौर पर अकबर और औरंगजेब और तो को शामिल किया गया है इसके अलावा मराठा और एंग्लो मराठा वॉर हुए थे तो हम एंग्लो मराठा और मराठा के बारे में पेशवा के बारे में अंतिम मराठा साम्राज्य के बारे में मतलब मराठाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और ब्रिटिश राज्य की कैसे शुरुआत होती है तो उस शुरुआत से संबंधित प्रश्नों को को इंडियन हिस्ट्री में में पूछा जाएगा ये नंबर इतनी सारी बातों को शामिल किया गया है याद रह जाएगा क्या क्या पूछना है इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछेंगे हम वैदिक सभ्यता पूछेंगे जैन और बौद्ध धर्म के बारे में सम्राट अशोक मतलब मौर्य पीरियड के बारे में गुप्ता पीरियड वर्धन पीरियड के बारे में राजपूतों का इतिहास जानेंगे हम साथ ही साथ हम दिल्ली सल्तनत मुगल पीरियड और मराठा साम्राज्य के बारे में जानेंगे ये सारी बातें इंडियन हिस्ट्री में पाँच नंबर में शामिल की गई हैं आइए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में तो यहाँ पर भी मेंशन है कि पांच नंबर का हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछेंगे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम क्या क्या डालेंगे तो भारतीय स्वाधीनता कैसे शुरुआत होती है हमारी अठारह की क्रांति कौन थी कैसी थी महात्मा गांधी से संबंधित जो भी रिवॉल्ट हुए थे जो भी हमारे महात्मा गांधी के संबंधित चोरी छोरा कांड हो गया जलियावाला बाग हत्याकांड हो गया या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो गया कैबिनेट मिशन का भारत आना हो गया ये सभी बातें इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत मतलब आपकी पूरी एक तरीके से कहा जाए कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसमें विशेष तौर पर मैंशन किया है आजाद हिंद फौज मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारत छोड़ो आंदोलन को स्पेशली यहां पर मैंशन किया गया है तो इस बात को याद रखना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको गांधी जी के एरा के बारे में

हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं मतलब डैमों के बारे में नहरों के बारे में पूछेंगे हम पहाड़ों और पर्वतों के बारे में मतलब माउंटेन के बारे में हम पूछेंगे कौन सा एरिया में कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है तो फॉरेस्ट के बारे में पूछेंगे डेजर्ट्स मतलब हम मरुस्थल के बारे में पूछेंगे और मिनरल्स मतलब हम खनिजों के बारे में पूछेंगे मतलब खदानों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जैसे वह पूछ लेगा कूल और कालगाड़ी की खदानें कहाँ पर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये खदाने कहाँ पर हैं ठीक है तो मिनरल रिवर रिसोर्स माउंटेन फॉरेस्ट और डेजर्ट एरिया के बारे में यहाँ पे जोग्राफी में पूछा जाएगा अब यहाँ पे एक और मेंशन की गई ये चीज़ें क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज बड़ा खासा मुद्दा है तो हम जलवायु के बारे में आपसे प्रश्न पूछेंगे हम पूछेंगे आपसे जलवायु के बारे में प्रश्न और भारत के टाइम जोन के बारे में मतलब हम हाँ अपने लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में भी हमें पता होना चाहिए भारत की स्थिति पता होना चाहिए सबसे ज्यादा टाइम जोन कहां पर है ये पता होना चाहिए तो बिल्कुल हम टाइम जोन से रिलेटेड क्वेश्चन जोग्राफी में डालेंगे और एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर यहाँ पे जोड़ा गया है जनसंख्या तो दो की क्योंकि दो के जनगणना के आंकड़े तो आपके पास अवेलेबल होंगे नहीं क्योंकि अभी तो चल रही है काउंटिंग है ना अभी तो सेंसस चल रहा है तो दो की जनसंख्या गणना है वो पूरे तरीके से आप कर लीजिएगा कि किससी कितने हैं हैं कितने है, कितनी जनसंख्या रही है लिंग अनुपात कितना रहा है साक्षरता दर कितनी रही तो वो सारे प्रश्न पर बन जाएंगे तो ये नंबर की सारी बातें मैंने आपको बता दी एक बार रिपीट कर देती हूं कि क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी तो रिवर रिसोर्स माउंटेन फॉरेस्ट और डेजर्ट मिनरल्स इसके अलावा जनसंख्या जलवायु और टाइम जोन ठीक है अब हम बात कर लेते हैं यहां नंबर का अगला सब्जेक्ट जो है हमारा वो इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने लिखा है कि हम प्लानिंग कमीशन मतलब पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे तो आप देख लीजिएगा पूरी बारह पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कब पोखरण टेस्ट हो रहा है कब हरित क्रांति हो रही है कब दुग्ध क्रांति हो रही है कब किस प्लान के अंतर्गत बैंकों का नेशनलाइजेशन हो रहा है इस तरीके के प्रश्न यहाँ इंडियन इकोनॉमी से प्लानिंग कमीशन से बन सकते हैं इसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि हम कृषि मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे हम यहाँ पे हरित क्रांति मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछेंगे हम ऑपरेशन फ्लड मतलब दुग्ध क्रांति से रिलेशन क्वेश्चन पूछेंगे मतलब व्हाइट रिवॉल्यूशन से हम क्वेश्चन पूछेंगे हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण मतलब बैंकों के नेशनलाइजेशन से क्वेश्चन पूछेंगे ठीक है ये बातें यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में मेंशन की गई हैं इतनी चीज़ों पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है जब आप इंडियन इकोनॉमी डिस्कस कर रहे होंगे चलिएगा इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं अगर क्लियर हो रही हैं तो एक बार लिंक को शेयर करना तो बनता ही है है ना इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं तो एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए और फिर हम बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपको पांच नंबर के प्रश्न आएंगे मतलब यहाँ पे भारत के संविधान के बारे में बातें हो रही हैं ठीक है चलो क्या क्या बोला है इन्होंने सबसे पहले इन्होंने बोला है कि भारतीय संविधान की क्या क्या प्रॉपर्टी है अपन बोलते हैं कि बहुत ही लचीला है ना ज्यादा कठोर है हमारा संविधान हमारा संविधान लोकतांत्रिक है डेमोक्रेटिक है धन निरपेक्ष है सेक्युलर है मतलब जो भी हमारे संविधान के संबंधित विशेषताएं होगी वो पूछा जाएगा फिर इन्होंने मैंशन किया कि हम डीपीएस भी पूछेंगे मतलब राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम पूछेंगे जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं फिर इन्होंने बोला है कि हम फंडामेंटल राइट्स पूछेंगे जो चैप्टर नंबर थ्री में है जो कि यूएसए से लिए गए हैं तो आप इसे देख लीजिएगा फिर इन्होंने कहा है कि हम लोकसभा राज्यसभा मतलब संसदीय प्रणाली के बारे में पूछेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे आपसे पूछेंगे आप इसे पढ़ लीजिएगा फिर उन्होंने कहा है कि हम जुडिशरी पूछेंगे मतलब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पूछेंगे और फिर इन्होंने एक नई चीज जो, जो जोड़ी है वो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है मतलब हम केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड प्रश्नों को यहां पर पूछ सकते हैं फिर इन्होंने कहा है कि हम स्थानीय मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पंचायत नगर निगम नगर पालिका मतलब शेड्यूल नंबर और ट्वेल्व से हम क्वेश्चन राइज करेंगे तो ये बात आपको पांच नंबर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछी जाएगी क्या क्या बातें एक बार रिपीट कर देती हूँ सबसे पहले संविधान की विशेषता पूछी जाएंगे डीपीएसपी मतलब चैप्टर नंबर चार पूछा जाएगा मौलिक अधिकार मतलब चैप्टर नंबर तीन पूछा जाएगा फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब चैप्टर नंबर पाँच और चैप्टर नंबर छः आपको पढ़ना है और सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में आपको बात करनी है इतना पढ़ने के बाद आपको चैप्टर नाइन पर ध्यान देना है जो कि आपके शेड्यूल इलेवन और शेड्यूल ट्वेल्व से संबंधित है पंचायत तो और नगर ये सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएंगी अब जनरल साइंस पे इन्होंने ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया है इन्होंने कहा है कि हम फिजिक्स से केमिस्ट्री से बायोलॉजी से जो भी जनरल साइंस के प्रश्न बनते हैं पांच नंबर में वो पूछेंगे बाकी और ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं दिया है और क्या है हमारा सिलेबस तो देखिएगा देखिएगाटिक मैथ्स आएगी पांच नंबर की हिंदी आएगी पांच नंबर की इंग्लिश आएगी पांच नंबर की ठीक है ना हिंदी में क्या आएगा तो हिंदी में देखते हैं हिंदी में आएगी संधि संधि के बाद विलोम शब्द परवाची शब्द पूरे वाक्य का एक शब्द निकालना होता है ना तो वाक्यों का एक शब्द जो होता है वो वो लिंग मुहावरे अशुद्धियां फाइंड आउट करना गद्य और पद ये सभी चीजें हिंदी में यहाँ पे शामिल है समान अंग्रेजी पूछी जाएगी नॉर्मल ग्रामर और एक अनसीन वगैरह दिया जाएगा लॉजिकल रीजनिंग अच्छा यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम पोर्शन जो कवर किया गया है वो करेंट अफेयर्स के साथ किया गया है तो आपको इस पर ध्यान देना है करेंट अफेयर्स भारत का और विश्व का दस नंबर का आएगा अब यहाँ पे जनरल अवेयरनेस दस नंबर की पूछी गई है इसको सुनिएगा जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है तो भारत के पड़ोसी देश हमारे भारत के नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं कौन कौन से हमारे स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं उनकी कैपिटल क्या है करेंसी क्या है उनके यहाँ पे स्टेट एनिमल क्या है इस्टे... नेशनल गेम्स कौन से हैं वो सारी चीजें ना हमारे पड़ोसी देशों की राजधानी और मुद्रा मतलब करेंसी वो पूछा जाएगा यहाँ पे ठीक है भारत की संसद लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान, विधान परिषद के बारे में उनके गठन के बारे में पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो भी इंपॉर्टेंट डेज हम सेलिब्रेट करते हैं आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास में सुबह साढ़े छः बजे डेली एक इंपॉर्टेंट डे ज़रूर डिस्कस करते होंगे तो इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पूछेंगे अब भारत के आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कि कालबेलिया बेलिया कहाँ का डांस फॉर्म है या फिर कुचीपुड़ी या फिर कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है या फिर डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछने जाने की बात है अब यहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे भारत और विश्व के स्पोर्ट्स वो पूछ लेगा कोई टर्म बोल देगा कि इस टर्म का संबंध किससे है या रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है भूपेंद्र हजारी का कहा, कहाँ से संबंधित थे इस तरीके से कुछ व्यक्तियों से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो भी अभी अभी हाल ही में कॉप के सम्मेलन हुए हैं मीटिंग्स हुई हैं उनसे रिलेटेड जनरल अवेयरनेस में प्रश्न बनेंगे तो ये दस नंबर की सारी चीजें हैं तो आपको इसे विशेष तौर पर ध्यान देना है अब दो अनरीड पैसेज मिलेंगे दस नंबर के तो आप तो इसे करना बड़ा आसान होता है ग्राफ और एक टेबल दस नंबर का ग्राफ होगा और दस नंबर की एक टेबल होगी तो ये आपका ओवरऑल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस और बातें की गई हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप यू पी एस एस सी डॉट जी ओ बी डॉट इन ये हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है आप वहाँ पर भी डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं लेकिन याद रखना 21 जून से पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन करा लेना है अब जो भी आपके डाउट होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मैं आप मैंशन कर सकते हैं मैंने बिल्कुल पूरी कोशिश की है कि आपको सारी बातें यहाँ पर बता दें हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जो ई मेल होगा आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको छोड़कर आप बाकी सारी चीज़ों को एक बार केवल और केवल एक बार मॉडिफाई कर सकते हैं वो भी 28 जून से पहले क्योंकि कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं कि हम एग्ज़ाम सेंटर ये नहीं चाहते थे हम ये नहीं करना चाहते थे वो नहीं करना चाहते तो एक बार में कई बार लोगों से गलतियां हो जाती हैं तो मॉडिफिकेशन केवल एक बार ही किया जा सकता है ऐसा भी मैंशन किया गया है तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि मॉडिफिकेशन केवल एक बार ही किया जा सकता है तो मैंने आपको सारी न्यूज़ बता दी हैं अब देख लेते हैं तैयारी कैसे करनी है तो तैयारी करने के कई सारे तरीके होते हैं आपके पास बहुत से बुक्स भी होंगी और साथ ही साथ महिंद्रा के कुछ ऑनलाइन क्लासेस का कोर्सेज है वो ले सकते हैं तो देखिएगा बिल्कुल दो जून से 9 जून से 16 जून 23 और 30 जून से ये नए नए हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं जो आपके एस के एग्ज़ाम यू के एग्ज़ाम आपका जो बैंकिंग पी का एग्ज़ाम होता है उन सभी के लिए नए नए बैचेज़ हैं बिल्कुल दोनों भाषाओं में हैं हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं आप इनमें से किसी भी कोर्स को ले सकते हैं परचेज कर सकते हैं अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो ई वन थ्री एट थ्री जीरो ये मेरा प्रोमो कोड है आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल टेन परसेंट यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप टोल फ्री नंबर पर विजिट कर लेना या फिर महिंद्राज डॉट ओ आर जी हमारी वेबसाइट है आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं सो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे जैसे ऐसे ही अपकमिंग नोटिफिकेशन मैं आपको बताती रहूँ तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर